सांचौर थाना अधिकारी हुक्माराम भील ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देकर बताया कि कक्षा 10 में पढ़ने वाली उसकी 15 साल की बेटी के साथ जनवरी में आरोपी जबराराम पुत्र सेंधाराम मेघवाल निवासी सुरावा ने डरा धमका कर दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद वह उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार परेशान करता रहा, जिसके डर से बेटी ने घर से निकलना बंद कर लिया। 30 अप्रैल को आरोपी ने उसकी बेटी का एक मोबाइल दिया। परिवार को पता चलने पर जब बेटी से इसके बारे में पूछा गया तो उसने सारी बात बताई, जिस पर पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने पोक्सो में मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।